हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप केबीसी नैनो का सेट नंबर 3 से लेकर 8 तक देखने वाले हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, यहाँ पर एक बात आपको सबसे पहले समझ लेना है कि देखिए, टोटल केबीसी नैनो में आपका 16 यानी कि 16 सेट दिया हुआ है, जिसमें से कि 8 सेट आपका जो है वो करेंट अफेयर्स का है और 8 जो है वो बिहार से रिलेटेड है, जो कि आपके बिहार के इतिहास वगैरह के बारे में है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आप सेट नंबर 3 से 8 यानी कि टोटल आज आप 6 सेट देखने वाले हो। हर एक सेट में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन करके दिया हुआ है, तो आज के इस क्लास में आपको 300 क्वेश्चन देख लेना है। आपको पता होगा सेट नंबर 1 और 2 इससे पहले आपको करवा दिया गया है, और भी बिहार का काफ़ी सारा क्लास आ चुका है, 67वीं BPSC, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा या फिर बिहार के और भी कोई एग्जाम जहाँ से कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन आता है, तो आप इन सारे क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के इस क्लास में आपको टोटल 300 क्वेश्चन देखना है, और नेक्स्ट वाले क्लास में फिर जो आपका क्लास आएगा वो बिहार के इतिहास वगैरह से जो क्वेश्चन है उसे आपको करवा दिया जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया हुआ है। कह रहा है कि बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है, आपको ध्यान आ रहा होगा। नंबर 2 है, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगू के लिए दिया गया है। प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, यह भी आपका सही है, दोनों कथन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी टिक करेंगे। नंबर 2 है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030 तक। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। टोटल 6 शहर को, जिसमें से आपका मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर होगा। नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का स्थान क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का स्थान 25वां है। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ऑप्शन जो आपका बी है यही राइट आंसर हो जाएगा, पटना, नालंदा और दरभंगा में। नंबर 6 है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वहीदा अहमद को। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजी पैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मगही पान पर। कर्नाटक के बेंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिहार को 3रा स्थान मिला है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बेगूसराय। समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जा चुका है। बताइए कि बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा जिले के। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने COVID-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, ऑप्शन आपके सामने रहा, बताइए नंबर 11 का क्या हो जाएगा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बताइए इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है, ऑप्शन ए IIT पटना ने। मक्का उत्पादन में क्रमशः देश में पहला एवं दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी तमिलनाडु और बिहार का। पिंक परेड किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कैंसर जागरूकता से। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पहला स्थान है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी में। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा का है। चलिए नंबर 18 बताइए, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, इसको किस देश से वापस लेने का निर्णय किया गया है? प्रैक्टिस सीट में यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार आया था, एक दो बार नहीं बहुत बार। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, इटली से। चलिए बताइए, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार के कौन सा जिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार का मुंगेर में। बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मनोज वाजपेयी को। बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, राजगीर में। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती की शुरुआत की गई है यानी बिना मिट्टी की खेती का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार के आपका भोजपुर में। बिहार के सारण में राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इस पर निर्मित कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है, नाम बताइए? ऑप्शन ए सर्वानंद सोनेवाल ने रखे हैं। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर जो कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण है वो किया जा रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 2 ट्रेनों की। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, तो प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा जी को मिला है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन जो आपका कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन किया किसने? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओम बिरला के द्वारा किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 विकसित की गई है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मखाना को। बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना की शुरुआत की है? भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य बना है कौन? ऑप्शन ए बिहार बना है। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए सुपौल में। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी अल्फा का निर्माण किया गया, जिला बताइए वह कौन सा है जिला जहां पर अल्फा का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, पटना जिला में। बिहार की प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लीली रे का निधन हो गया, उन्हें किस उपन्यास के लिए वर्ष 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, मारिचिका के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? 5वां पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा पटना हाई कोर्ट। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, बिहार के मधुबनी में। बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है, यह किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोसी की सहायक नदी है। बताइए कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए भागन बिघा जो कि बिहार शरीफ में है, यहीं पर बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण को मिला है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च न्यायालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? ऑप्शन ए दीवार अखबार हो जाएगा। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कैमूर जिले में। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में। मैथिली भाषा में अंशुबनी पसरी जाए के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमित मिश्र को। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? बिहार के पटना में किया जाएगा। उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी कि मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक के बारे में बताना है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल का प्रकाशन किया गया था। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए विनोद कुमार हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो सहजन, प्याज, चाय, रजनीगंधा, इन सभी पे किया जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका 5 आया है, इस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे आपका सही है? तो देखिए प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है जहाँ TFR 3 है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2021 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थीं। यह भी तो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है, यहाँ पे सभी आपका सही है। अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पीयूष पांडे। लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? ऑप्शन ए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 50 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बताना है कितना परसेंट रहा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 61.2% रहा है। आइए अब प्रैक्टिस शीट नंबर देखते हैं, कौन सा शीट नंबर 4 देख लेते हैं। अभी आपने थर्ड देखा ना, अब आइए 4 देखते हैं। चलिए बताइए कि कह रहे हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34,314 रुपये। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, शिवहर में है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देखिए कह रहे आर्थिक समीक्षा 2021-22 का जो क्रम संख्या है वो क्या है, कितने नंबर का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, 16वां है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, लगभग 18 लाख टन। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा 115 लाख टन का। बताइए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका समीक्षा 2021-22 था, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जो होता है यानी कि NOC जिसे आप कहते हैं ये दी, जिसने कि 32,454 करोड़ का निवेश आएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका टोटल डी राइट आंसर हो जाएगा 159। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में
रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर हो गई है, कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 लाख। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? ऑप्शन को आप अच्छे से देखकर बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 50,555 रुपये हो गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिले की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपए के साथ कौन सा जिला शीर्ष पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पटना जिला है। नंबर 10 है, वर्ष 2020 और 21 के बीच में मछली के रिकॉर्ड यानी कि 6.83 लाख टन का जो उत्पादन के साथ है, राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, 40.76 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा 39,191 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2022-23 के अनुसार पूछा है नल जल योजना के लिए ना, बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1,001.10 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 कितने सूत्रों पर आधारित है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 6 सूत्रों पर बिहार बजट 2022-23 आधारित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12,375 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? ऑप्शन ए हो जाएगा 200 करोड़ रुपए का। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ऑप्शन डी 700 करोड़ रुपए का। 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना परसेंट है? ऑप्शन बी लगभग 16.5%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 230 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर, अप्रैल 2022 से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 3.47%। बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में किस स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 4,33,000 से ज़्यादा स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर लगा इसके वजह से पहले नंबर पर बिहार है। जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है? ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। बिहार के सारण जिले की वह महिला जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफर करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई? ऑप्शन ए सविता महतो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से आया है। जुलाई 2022 में बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके रिकॉर्ड बना लिया? ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास और कैमूर जिला के बीच में बना है। नंबर 26 देखिए, बिहार के किस जिले में पहला थाई दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पटना में। 75वें
कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक जो है बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अजीत अजीत जो राय हैं जो कि बक्सर के रहने वाले हैं। हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीत लिया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भोला सिंह जीते हैं। 4 जून 2022 को किसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भागीरथ श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। ये आपका हो जाएगा पूर्व, है ना, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी बिहार के जमुई में है। सीतामढ़ी जो कि यानी कि आपको कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, अमित देव को किया गया है। बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जो प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग है ये प्रदान किया गया, बताइए किसे दिया गया, किस स्टेशन को मिला है बताना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वाधिक मशरूम उत्पादन राज्य का नाम बताइए? ऑप्शन ए बी आपने देख लिया, सी डी देखिए, आप देख के समझ गए होंगे, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना जो आपका पैंडेमिक था, डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव हैं। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए संजय कुमार। बिहार बजट 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 6 रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। मशरूम उत्पादन में ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बिहार। आशा और विश्वास एक यात्रा या किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए डॉक्टर सीपी ठाकुर का है। जीविका का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2006 में। बताइए कि सुविधा जो मोबाइल ऐप है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ऊर्जा से। मनरेगा के तहत बिहार में 2020 और 21 में जारी जॉब कार्ड की संख्या लाख में बताना है कितनी थी? ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी 187.5 राइट आंसर। मुख्यमंत्री 7 निश्चयों में से कितने शहरी क्षेत्रों से संबंधित योजना है? ऑप्शन सी टोटल 3। बिहार के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, 4 शहर को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन हैं? ऑप्शन ए टोटल 3। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? ऑप्शन ए 1 पार्क है अभी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी कब? ऑप्शन ए 1998 से 99 के बीच में शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला राज्य है, राज्य का जिला है बिहार का कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पटना जिला है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1958 में। मार्च 2021 तक बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, घरेलू की। प्रथम कारवां पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए? ऑप्शन नंबर डी जयराम कुमार सत्यार्थी के द्वारा प्रथम कारवां पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेट नंबर 5 देख लेते हैं।
थर्ड और फोर्थ तो आपने देख लिया ना। आइए अब सीट नंबर फाइव से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए कि आईपीएल के तर्ज पर कह रहा है कि आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार क्रिकेट लीग यानी कि बीसीएल का जो आयोजन है वो किया गया है। जब बताना है कि बिहार के किस जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार की राजधानी पटना में की गई है। पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से दो शहरों की बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार बन गया है। भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र हो जाएगा राइट आंसर। किनके जन्मदिवस पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 8वीं बार शपथ लिए हैं। कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 13 जिलों में। सुखोई युद्धक जो आपका MKI-30 है, उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बजट यानी कि GSDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 0.64%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहे थे, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए विनोद कापड़ी आपका राइट आंसर। बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सीस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पटना में। पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी और हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मैथिली भाषा में। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक का नाम जियालाल आर्य, ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार के पटना जिले में खुलेगा। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लखीसराय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाचिंगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है। किस कॉलेज को बताना है, चलिए कॉलेज आपके सामने रहा बताइए। नंबर 14 का आप राइट आंसर क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी फिशरीज कॉलेज ढोली जो कि मुजफ्फरपुर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान संबंधित है किससे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षा से। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका जो आपका कन्वेंशन सेंटर है इसी को। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह देवी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आशुतोष अमन ने। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है। ऑप्शन नंबर डी समाज कल्याण विभाग ने। कृषि हैकाथॉन का जो आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय सबौर आपका राइट आंसर। पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइसो सैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया। ऑप्शन नंबर बी शाही लीची को। राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर
हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू करी गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 जून 2021 से लागू है, सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग की मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई बताइए, ऑप्शन सी 70 फीट। बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बिहार शरीफ में खोला गया है। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राजेंद्र नगर पटना में। नंबर 25 बताइए, बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा, ऑप्शन ए बिहार जो है राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करेगा। एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट है 1897, इसके तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार 12वां राज्य बना है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपने देख लिया, तीसरा और चौथा देख लीजिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है, बाल सहायता योजना शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में पथ निर्माण की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया, ऑप्शन ए बिहार पथ संधारण नाम से ऐप बना है। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला, ऑप्शन ए बिहार के मधुबनी जिले में। बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं के प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा, इसके लेखक कौन है, ऑप्शन बी नलिनी वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रविंद्र कुमार। बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर डॉक्टर तनुजा को। चलिए नंबर 34 बताइए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर सी नेचर्स क्योर्स यू। बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान की तुलना में कितना अधिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 19,388.49 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है, 36 ऑप्शन ए एम्स अस्पताल पटना राइट आंसर हो जाएगा। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर हॉस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित कर लिया, ऑप्शन बी एयर इंडिया ने। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी पंचामृत योजना। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कैमूर का। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क जो ग्राम संपर्क योजना है, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर टोटल 6,000 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा, ये आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया, ऑप्शन हो जाएगा बी किशनगंज का किया जा चुका है। बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, ऑप्शन ए सुमित कुमार ने। 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का।
मेरी यादें पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनय कारक, राइट आंसर। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 11 चरण में। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में किया गया है। बताइए कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.5% की। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार ने व्यय यानी कि खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी करी है, पिछले साल की तुलना में कुल जो खर्च है वो कितना करोड़ से अधिक रहा, ऑप्शन बी 1,65,000 करोड़ से अधिक रहा। बताइए कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.1% की। नेक्स्ट है नंबर 50। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र यानी कि GSDP में कितना प्रतिशत का योगदान है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर 19.2%। सेट नंबर अब 6 देख लेते हैं। देखिए सेट नंबर 6 में आपका कह रहा है क्या, बजट से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिहार बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 1,96,704 करोड़। नंबर सेकेंड है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है, ऑप्शन नंबर आपका सी 7.84% राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABL लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार का आपका है भागलपुर में, ये हो जाएगा यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बांका में। बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए संजय कुमार को। वाहनों को जो है ना कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 25%। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 5 शहरों में। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष समिति जो आपका कह रहा है कि गुवारी डी है, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही जवाब, कोसी के तट किनारे में है। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने का की पहल की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बांका में। दरभंगा के कह रहा है कि किस किसान को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी अजीत नारायण यादव को। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर 2%। बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जा चुका है, कहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर 112 अब आप डायल करेंगे। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर में। लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहतास जिला। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ पर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी पटना के पुनपुन में। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी रूपक प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर।
निम्न में कर राजस्व का कौन सा हिस्सा नहीं है, हिस्सा कौन नहीं है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्टाम्प शुल्क नहीं है, वाणिज्य कर, भू राजस्व और ब्याज प्राप्तियां हैं। ध्यान रखिएगा बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट कितना रहा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ए हो जाएगा 4,747, यानी कि 47 भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट अगर पूछेगा कितना रहा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नंबर 18 का। नेक्स्ट है बिहार बजट 2021 और 22 के अंत में लोक ऋण यानी कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ये रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31.21% रहने का अनुमान है। सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जो मुकुल कुमार सिंह हैं इनको। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने। बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय बताइए कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1,37,460 करोड़ रुपये। जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल के द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर ऑपरेशन कुकरी आपका सही जवाब है। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है, तो 24 का ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप, नंबर बी 50%। नंबर 25 बताइए कि बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक कह रहा है कि प्रदूषित रहा है, चलिए बताइए। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार शरीफ। नंबर 26 है बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस शुरू किया गया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा में। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान है कौन सा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा स्थान रहा है। प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सारण और वैशाली को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो आपका 5 हुआ है, इसके द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताइए कितना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 1,090। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 14 किलो और 21 किलो, मतलब 14 किलो जो है ये गेहूं मिलता है और चावल जो है ये मिलता है 21 kg। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय में। बिहार के किस एथलीट ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजनी कुमारी आपको ध्यान रखना है। परवरिश योजना के तहत मतलब सुन यानी कि 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को हर महीने कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है बताइए। 33 का ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 1,000 रुपये। बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया है, ऑप्शन ए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है, 36 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा प्रमोद भगत को। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है, ऑप्शन नंबर डी 250 किलोमीटर। स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक
घनश्याम शाह हैं? सतघरवा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए मुंगेर से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की रैंकिंग ऑप्शन बी 13वें नंबर पर रहा बिहार। अप्रैल 2022 में बिहार के किस स्थान पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए बरौनी यानी कि बेगूसराय में। युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? नाम अगर आपको याद हो तो आप सोच लीजिए, नहीं तो ऑप्शन देखिए और बताइए। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरबाज अंसारी राइट आंसर। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए जो है ना, ये कहाँ पर खोला जा रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, मधुबनी में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षा विभाग। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए बिहार। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं राइट आंसर। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि बताइए, ऑप्शन नंबर सी 2022-27 चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है। चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार के। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 2025 तक। राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा जिले से मशरूम हब बनाने की योजना चल रही है बिहार में। सेट नंबर अब देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कि पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस क्षेत्र की विधायक हैं? तो ऑप्शन ए जमुई की वे क्या है विधायक है ध्यान रखेंगे, और भाजपा की विधायक हैं इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है बताइए? नंबर सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही जवाब, 61.13% मतदान हुआ है। ठीक है, नंबर थर्ड है, राज्य में चलाया जा रहा जो एक कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? तो सांस रखा गया है। ठीक है, सांस कार्यक्रम संबंधित है बताइए, या किस तरह के बच्चों से या किससे संबंधित है ये बताना है, तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन सी। निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान से संबंधित है। नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी बिहार में चल रहा है। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहां पर बनाया गया? ऑप्शन ए IGIMS पटना में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए बिहार का मधुबनी जिला है। स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल कर लिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पटना शहर को। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी फिलो ऐप को। नंबर 9 है, बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर की हैं ये। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लेंगे आप लोग, ठीक है, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया नंबर 9 का, बट यहाँ पे एक पल के लिए आपके दिमाग में आएगा कि बिहार के किस जिले, तो कुशहर पंचायत चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी हैं, सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई हैं, तो ऐसा समझ लेंगे कि इनके जो दादा या पिताजी थे ना 20 या 25 साल पहले रह चुके हैं, या फिर शायद इनसे ज़्यादा भी टाइम तक लगातार कंटिन्यू वे क्या थे, मुखिया रह चुके हैं, मतलब एक छत्र राज उनका चलते रहा है,
इस बार महिला वाला सीट हुआ, जिस वजह से कि अपनी पोती का नाम उन्होंने दिया और मुखिया वो पहले से थे, उनका दबदबा बना हुआ था, या तो अच्छे काम की वजह से या जो जिस भी रीजन से रहा हो तो लोगों ने उन्हें वोट करके जिताया है। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना नॉर्मल या बहुत ज़्यादा वीक ने वीक फैमिली से कोई निकल के आया, वैसा कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। नंबर 10 है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोली गई है? ऑप्शन नंबर सी भागलपुर के, भागलपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए चारों को, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, गया में। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए आपने देखा, बी सी डी को देख लीजिए। तो नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मोकामा पटना में। बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मखाना को। बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे सही है? तो नंबर फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार को किन जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बक्सर और कैमूर में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए बताइए कि बिहार विधानसभा परिषद में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? ऑप्शन बी अमृत प्रकाश शाह ने। भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में किया गया है। गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? नवादा, राजगीर, गया और बोधगया को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन बी रोहतास जिले के। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई बताइए कितनी है? ऑप्शन ए 1,02,306 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के पटना में। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा नाम है मेरा जीवन संघर्ष, यह किस देश के वेस्टलियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है? ऑप्शन सी अमेरिका के। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। FSSAI के द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लेजफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया? ऑप्शन नंबर डी पटना का महावीर मंदिर, शायद नैवेद्यम जो है ना बस एक पटना के महावीर मंदिर में ही आपको मिलेगा शायद, अगर कोई कहीं और भी मिलता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी अनुराग आनंद राइट आंसर है। बिहार सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवादा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अररिया जिले में। उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायो डीजल पंप किस
जिले में खोला गया है? ऑप्शन ए समस्तीपुर में। गांधीवादी और समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? आश्रम यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिर अपना जवाब कमेंट करेंगे आप, माइंड में रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करें ना करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा समन्वय आश्रम, राइट आंसर। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा से शुरुआत की जाएगी। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, दरभंगा में। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभिनियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी पंचायती राज विभाग के द्वारा बिहार में ई निश्चय पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया है। नंबर 37 है, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रजिया सुल्तान। थोड़ा ध्यान रखेंगे, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की का नाम आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी बताना है, रजिया सुल्तान। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ है किसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ललन सिंह का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 350 किलोवाट आवर रहा है। नंबर 40 देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी कितनी? ऑप्शन ए 6073 मेगावाट। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला राज्य है बिहार। बिहार दिवस 2021 और 2022 का जो थीम है वो रखा गया था, क्या रखा गया था? तो ऑप्शन आपके सामने रहा नंबर डी, जल जीवन हरियाली सही जवाब है। बताइए कि इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? इलेक्ट्रिक बस का जो परिचालन है इसमें बिहार का नंबर है, नंबर 43 का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बेगूसराय को। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धरती मैया। चलिए 47 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश मिला है? ध्यान रखिएगा, रोहतास में, बिहार का जो रोहतास जिला है यहाँ पर 25 वर्ग किलोमीटर के एरिया में क्या मिला है? पोटाश मिला है। नंबर 49, पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अररिया जिले में बनेगा। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली में किया गया। बिहार इन्वेस्टर मीट यानी कि सभा का आयोजन हुआ है, ऐसा मत समझिएगा मीट खाने वाला, मीट का नहीं बात किया जा रहा है, ठीक है ना, चलिए मजाक कर रहे थे। नंबर 8 देखिए, आज का यह जो सेट है लास्ट आपका होने वाला प्रैक्टिस सेट, 8 जो है आपका ये लास्ट क्लास है। बताना है कि बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है, कहाँ पर यह चालू हो चुका है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, नालंदा में चालू हो चुका है यह। गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गया में फल्गु नदी पर। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को
बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, प्रमोद कुमार और शरद कुमार दोनों को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गया में। निम्नलिखित में से किस संस्था की CEO रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित गीतान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किस कंपनी की ये मतलब संस्था की ये CEO हैं। प्रथम फाउंडेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन को राज्य का एकमात्र तितली उद्यान यहाँ पर स्थित है, बिहार के किस जिले में है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बताइए नंबर सिक्स का क्या होगा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, पटना। चलिए नंबर सेवन देखिए, बताइए कि पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक का नाम, ऑप्शन सी वंदना मिश्रा हो जाएगा राइट आंसर। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, ऑप्शन ए पटना जंक्शन पर किया जाएगा। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिला बताइए वो कहाँ के, ऑप्शन सी हो जाएगा पटना के हैं। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में क्या सही है बताइए। तो देखिए, वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कौन, सदानंद सिंह, नाम ध्यान रखेंगे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे, सही है। वे कहलगांव यानी कि भागलपुर के बारे में बताया जा रहा है कि यहां से 9 बार चुनाव जीते और 2 बार मंत्री भी रहे, सारा कथन यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हो चुकी हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान पुलिस में। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाले देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार में बनना है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बक्सर जिले में होना है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NIT पटना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को भी। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाले गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिहार है ऐसा राज्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप UGC के नाम से जानते हैं ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है, इसमें बिहार के कितने स्थल को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर, टोटल 5 स्थानों को शामिल किया गया है। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, वर्ष 2030 तक। नंबर 18 में बताना है, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर में। बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, काफ़ी अच्छी पहल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्णिया जिला ऐसा बना है पहला। बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है, ऑप्शन नंबर बी रसद हुसैन को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि पटना में है, निजी हाथों में 2023 तक जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। बिहार के किस जिले के उद्योग
केंद्र परिषद में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया में। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला का नाम? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहानाबाद। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको 100% टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड पूछा है, नंबर 25 आप ध्यान देंगे, प्रखंड बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण का है यह। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसको देने का निर्णय किया गया है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन, आप नाम ध्यान रख लेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से बारहवीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई लॉट्स आपका राइट आंसर। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली सदन गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए दिलीप कुमार को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? ऑप्शन नंबर बी शिवहर में। बिहार में वर्ष 2020 और 21 के बीच में चावल की उत्पादकता थी कितनी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर डी IIT रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब चालू किया गया था, विकसित किया गया था। चलिए बताइए कि वर्ष 2020 और 21 में बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल 40%। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आरा जंक्शन। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार से। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बरौनी में। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी को यह मिलना है। वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा स्थान रहा है। नंबर 40 बताइए, बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-139W का निर्माण किया जा रहा है, यह पटना को किस जिले से जोड़ने का काम करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, बेतिया, यानी कि पश्चिमी चंपारण को जोड़ेगा पटना से। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है, किसके नाम पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार की किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी पूनम आनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 43 है, बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे बिहार ही आपका होना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। बिहार के मैथिली मगही भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, झारखंड राज्य ने दिया है। इन देखिए मैथिली मगही भोजपुरी और जो अंगिका भाषा है ना, इसको झारखंड ने दूसरा राज्य का राजभाषा का दर्जा दे दिया है। किस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया? 45 का जवाब अगर पता हो तो कमेंट करके जरा बताइए। तो नगोजी ओंकोजी एवेला विश्व के प्रथम तथा अफ्रीका के भी प्रथम
महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए वे किस देश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया से। देखिए WTO को आपने अभी देखा ना, तो WTO के इस तरह से जो भी संगठन है उसके अध्यक्ष कहिए या फिर जो हेड पद पे बने हुए अभी हैं अध्यक्ष कहिए या फिर और आप क्या कह सकते हैं उसको, प्रमुख हैं उस जगह पर, उनके बारे में आपको बताया जा चुका है, कितने देश उसमें शामिल हैं, सारा कुछ का क्लास आपको दिया जा चुका है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी या फिर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा किया जाता है, बताइए। ऑप्शन रहा सामने 47 का, क्या टिक करेंगे आप? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये किया जाता है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए देवलाली से दानापुर तक किया गया। चलिए बताइए कि नंबर 49 में अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन सी टोटल 19 पदक भारत ने जीते हैं। आज का आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो 3.0 है स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम ये रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल सेट नंबर 3rd से लेकर के 8th तक देखा जो कि आपका बिहार करेंट अफेयर्स से था। नेक्स्ट क्लास में आपको बिहार स्पेशल जो प्रैक्टिस सीट है करवा दिया जाएगा जिसमें कि टोटल 8 सीट है आपको जैसा कि बताया ही जा चुका है, उसमें आपको बिहार के इतिहास वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप यहां तक क्लास को कंटिन्यू देख लिए हैं तो अब आप आराम से वीडियो को क्या करिए, आशा है कि आप लोग बहुत पहले ही लाइक कर देते हैं, देखने से पता चलता है आप लोगों को वीडियो क्लास अच्छा लगता है, वीडियो अपलोड होने के साथ ही मैक्सिमम देखा जाता है कि आप लोग लाइक कर देते हैं, अच्छी बात है, आपके इसी लाइक की वजह से कहिए मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अब आप लाइक कर ही दीजिए, चाहें कमेंट करके भी बता सकते हैं क्लास कैसा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ।